Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kaniz Fatma, Head of the Department Political Science, JTR Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. You all are welcome in my video lecture entitled A Greek Philosopher, Plato. This paper is taught in SYBA political science syllabus, and this paper is special paper first. In this slide you can see the photograph of great philosopher Plato. प्लेटो की अर्ली लाइफ, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी क्या है वो हम देखते हैं. प्लेटो वॉज बॉर्न इन 427 BC इन अ नोबल एथेनियन फैमिली. प्लेटो 427 BC बिफोर क्राइस्ट पीरियड एक नोबल फैमिली, एथेन फैमिली, एथेन में पैदा हुए. ही वॉज वाइज एंड ट्रू फॉलोअर ऑफ सोक्रेट. ये एक सच्चे और अकलमंद शागिर्द थे सुकरात के. ही फाउंडेड एकेडमी विच इज कॉल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट ग्रीस. And Aristotle was a famous pupil of Plato. Aristotle एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत, इनके शागिर्द थे. Plato died in 347 BC. This is a short early life of Plato. Now in this slide we can see the work of Plato, means the contribution of the Plato, which is great importance still today. The famous books of Plato is Republic, which he was written in 386 BC. The second important book is The Statesman, Siyasatdaan, इस नाम की किताब उन्होंने लिखी 360 BC में. And The Laws, which he was written in 347 BC. कानून नाम की किताब इन्होंने 347 BC में लिखी. अब हम देखेंगे कि प्लेटो की शख्सियत पर इन्फ्लुएंसेस किन किन लोगों के हुए, किन किन शख्सियत से आप मुतासिर हुए. प्लेटोज थॉट बाय ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय, यहाँ पर फोर इम्पॉर्टेंट नेम्स आई हैव मेंशन, पाइथागोरस, पैरामिंडिस, हेराक्लिटस एंड सुकरात, इसे हम सोक्रेट कहते हैं. प्लेटोज फिलोसफी बेस्ड ऑन फोर पिलर्स, दैट इज जस्टिस, एजुकेशन, रूल ऑफ फिलोसफर किंग, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. एक ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो, उन्होंने अपनी फिलॉसफी को प्रिपेयर जो किया, अपनी फिलॉसफी जो थी इनकी, वो चार चीज़ों पर मबनी थी. नंबर वन, जस्टिस. जस्टिस मीन्स इंसाफ. नंबर टू, एजुकेशन,
तालीम, नंबर 3 रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, ये बादशाहत मनार्की सिस्टम के फेवर में थे, लेकिन इनका मोनार्क कोई पैसे वाला शख्स नहीं था, हेरिडिटरी मोनार्क नहीं था, बल्कि इनकी फिलॉसफी में एक किंग जो हुआ करता था वो फिलॉसफर हुआ करता था, तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता पर्सन। रियासत का फिलॉसफर होना चाहिए इनका ख्याल था। एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, प्लेटो का यकीन कम्युनिज्म पर था, इश्तराकियत। इन्होंने वाइव्स और प्रॉपर्टी दोनों को कॉमन यूज़ करने के लिए कहा। अखलाकी तौर से देखा जाए तो इनकी ये फिलॉसफी हम ये देखेंगे काबिले कबूल नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि एक रियासत की बुनियाद यही चारों चीज़ों पर डिपेंड होनी चाहिए। एक फिलॉसफर किंग जो है वही रियासत का बादशाह होना चाहिए, स्टेट में जस्टिस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और प्रॉपर्टी, एक औरत और एक जायदाद, उसको सब मिलकर यूज़ कर सकते हैं। इनका ये कंसेप्ट हम सब जानते हैं कि एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट था। यहाँ पर हम इस वीडियो में प्लेटो का पहला कंसेप्ट जस्टिस इस ताल्लुक से नॉलेज हासिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस मीन्स डूइंग वंस ओन ड्यूटी। उनके कहने के मुताबिक जस्टिस का मतलब हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना है, अपना फ़र्ज जो है उसको निभाना है, एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ ईच अदर। किसी के भी ज़ाती मामलात में मदाखलत नहीं करना है। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को ह्यूमन माइंड के मुख्तलिफ पार्ट्स के एग्जांपल लेकर पेश किया है। उनका ये कहना था कि समाज में, रियासत में जो टॉप मोस्ट पर्सन रहेगा वो रूरल क्लास का रहेगा, और रूरल क्लास को इन्होंने रीज़न नाम दिया है। उसके बाद स्पिरिट क्लास जो कि सोल्जर की होगी, तीसरी जो है एपिटाइट क्लास जिसमें फार्मर्स और आर्टिज़न आएंगे। दिस क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन। इनकी जो क्लासेस की बेस है जिस पर उन्होंने क्लासेस को डिवाइड किया है वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। तालीम के बिना पर इन्होंने ये तीन क्लासेस का ज़िक्र किया है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है रूरल क्लास को, फिर उसके बाद सोल्जर, देन फार्मर।
रूलर क्लास को ये गोल्ड से तशबीह करते हैं, सोल्जर क्लास को सिल्वर से, और एपिटाइट्स को कांसे से। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट धातु जो है वो गोल्ड है, इसीलिए इनकी निगाह में रूलर क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लेटोज़ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल। नंबर वन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नंबर टू, नॉन इंटरफियरेंस। नंबर थ्री, बेस्ड ऑन हार्मनी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मीन्स व्हाट? इट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड मेरिट। इनका ये कहना है कि काम को बांटा जाए उनकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, एक फ़र्द की कैपेसिटी के मुताबिक काम को बांटा जाए। और क्लासेस का जो डिवीज़न है उसमें सबसे नीचे वाली क्लास एपिटाइट क्लास, जिसमें किसी भी फ़र्द को उस क्लास में काफ़ी लंबे अरसे तक की तालीम हासिल करनी है, 20 साल तक के तकरीबन जो है उनको पढ़ाई करनी है, उसके बाद उनका पहला इम्तिहान होगा और उस एग्ज़ाम में जो कामयाब होंगे वो स्प्रिट क्लास में जाएंगे, यानी सेकंड क्लास में, और जो फेल हो जाएंगे वो एपिटाइट क्लास यानी कि आर्टिज़न क्लास में रहेंगे। और ये क्लास वालों को मैरिज अलाउड रहेगी, मीन्स ये क्लास वाले कम तालीम याफ्ता रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अपनी फैमिली रख सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इनको सब चीज़ की परमिशन रहेगी क्योंकि इनके ऊपर रियासत की कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। इसीलिए क्योंकि ये फेलअर्स हैं, ये निचले क्लास में रहने वाले लोग एपिटाइट क्लास के लोग हैं जिनको फ्री फ्रॉम स्टेट वरीज, इसीलिए जो है मैरिज अलाउड की थी इन्होंने इस क्लास को पर्टिकुलर। द अदर क्लास, अब सेकंड क्लास वाज द सोल्जर क्लास। सोल्जर क्लास जिसको उन्होंने स्प्रिट क्लास से कंपेयर किया है, नाम दिया है, उनका ये कहना था इस क्लास में रहने वाले तकरीबन 10 साल तक के स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जो है इनका एग्ज़ाम होगा, और इस इम्तिहान में जो फेल हो जाएंगे वो स्प्रिट क्लास में रहेंगे और जो कामयाब हो जाएंगे वो रूलर क्लास में चले जाएंगे, जिसे उन्होंने गार्जियन क्लास भी कहा है। अब सोल्जर्स के लिए इन्होंने फैमिली लाइफ को अलाउड नहीं किया है, इनका ये कहना है कि सोल्जर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क की दिफा करना है, हिफाजत करना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए जो है इनको शादी ब्याह का कंसेप्ट मना किया गया। सबसे टॉप मोस्ट क्लास फिलॉसफर क्लास है, मीन्स जो स्प्रिट क्लास के एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएंगे वो फिलॉसफर बनेंगे, फिलॉसफर क्लास में जाएंगे। फिलॉसफर क्लास में उन्हें तकरीबन और 15 साल तक की स्टडी करनी पड़ेगी और जो है उसके बाद जो है कामयाबी, जिसे
टॉप मोस्ट लेवल पे हासिल होगी वही रूरल क्लास के लोग बनेंगे। ये रूरल क्लास को उन्होंने स्टेट की तमाम तर जिम्मेदारी दे दी है। उनका ये कहना है कि ना ही ये प्रॉपर्टी रखने का हक रखते हैं और ना ही जो है इनको शादी ब्याह करने का हक है, क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियासत की है। लॉ मेकर, लॉ गिवर बॉडी है ये, तमाम तर जिम्मेदारी इनकी रियासत के तई हैं, इसीलिए फैमिली लाइफ नहीं रखनी है इन्हें, क्योंकि इफ़ ही वो विल बी बिजी इन फैमिली लाइफ देन नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स द स्टेट अफेयर्स। सो रूलर्स आर फ्री फ्रॉम फैमिली लाइफ। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नॉन इंटरफेरेंस। इट इम्प्लाइज नॉन इंटरफेरेंस बाय वेरियस क्लासेस इन ईच अदर स्फीयर ऑफ ड्यूटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन इट्स ओन ड्यूटी। सच अंडरस्टैंडिंग इज अ वाइटल फॉर द यूनिटी ऑफ द स्टेट एज वेल एज वेलफेयर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। प्लेटो का कहना है कि हर एक को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, वही जस्टिस है, क्योंकि एक दूसरी क्लास अगर किसी के भी मामलात में मदाखलत करेगा तो रियासत का नज़्म ज़ब्त एडमिनिस्ट्रेशन वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो है हर क्लास के लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि दे डू देयर ओन ड्यूटी। एक्चुअल में उसी को ये जस्टिस कहते हैं। व्हाई इट इज़ ऑल नेसेसरी नॉन इंटरफेरेंस? व्हाई नॉन इंटरफेरेंस इज़ नेसेसरी? बिकॉज इट इम्प्लाइज हारमोनी ऑफ थ्री क्लासेस रिप्रेजेंटिंग विजडम, करेज एंड टेम्परमेंट्स रिस्पेक्टिवली। For the sake of harmony of the state, Plato said that non-interference is very important. Harmony between three classes, जिसकी वजह से समाज में तरक्की होगी, मुल्क तरक्की करेगा, किसी भी किस्म की वॉर नहीं होगी, टेंशन्स नहीं रहेंगे, एंग्जाइटी नहीं रहेगी, सब कोई अपने अपने काम में बिजी रहें, ये इनका जस्टिस का मेन कंसेप्ट था। इस वीडियो में आपने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो इसको पढ़ा। इसके बाद जो है इनकी फिलॉसफी के दूसरे कंसेप्ट इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। होप दिस लेक्चर विल बी बेनिफिटेड टू ऑल एंड मोटिवेट ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। थैंक यू वेरी मच।